सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में CAA की तुलना न्यूरमबर्ग लॉज यानी न्यूरमबर्ग कानून से की गई थी। ये जर्मनी के कानून थे जो यहूदियों के खिलाफ बनाए गए थे। पहले वो तस्वीर देख लीजिए। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को काफी शेयर किया जा रहा है। इसमें जिक्र है न्यूरमबर्ग लॉज का। तो आखिर क्या थे न्यूरमबर्ग लॉज, इनमें क्या था, ये कब बने थे, इनका असर क्या हुआ था, ये सब तफसील में समझते हैं। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 30 जनवरी को। इसके बाद उसकी पार्टी ने धीरे धीरे अपोजिशन को खत्म करना शुरू कर दिया। ये हो जाने के बाद हिटलर ने खुद को जर्मनी का डिक्टेटर यानी तानाशाह घोषित कर दिया। एक नए युग की शुरुआत करने की बात कही, जिसे थर्ड राइक यानी तीसरा एम्पायर भी कहा गया। पहला था रोमन एम्पायर, दूसरा था जर्मन एम्पायर और तीसरा हिटलर का थर्ड राइक। इसी दौरान आए न्यूरमबर्ग लॉज। ये कानून क्यों बना, ये समझने से पहले कुछ चीजें जान लेना जरूरी है। हिटलर आर्यन रेस यानी नस्ल को मास्टर रेस मानता था, यानी सबसे ऊपर, सबसे बेहतर नस्ल। यहूदियों से उसे नफरत थी। वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसने यहूदियों के खिलाफ नफरत की शुरुआत की, वो पहले से मौजूद थी, लेकिन उसने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ पल रही नफरत की भावना को भड़काया तो ऐसा भड़काया कि तकरीबन 60 लाख यहूदी मार डाले गए, 1,10,00,000 से ज्यादा को सताया गया। इस पूरे फेनोमेनन को होलोकास्ट कहा गया। 1933 में ही कानून बने जिन्होंने यहूदियों को सरकारी नौकरी ज्वाइन करने, मेडिसिन, फार्मेसी या कानून की पढ़ाई करने और मिलिट्री में भाग लेने से भी रोक दिया। 1935 में न्यूरमबर्ग जर्मनी में रैली हुई नाज़ी पार्टी की। यहाँ पर उन्होंने दो नए कानून घोषित किए। पहला था राइक सिटीजनशिप लॉ, दूसरा था लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड ऑनर यानी जर्मन खून और सम्मान की सुरक्षा का कानून। सिटीजनशिप लॉ के तहत ये कहा गया कि जर्मनी का नागरिक वही होगा जिसकी रगों में जर्मन खून हो। इसके साथ ही यहूदियों की जर्मनी की नागरिकता खत्म कर दी गई। अब ना तो वो पासपोर्ट बनवा सकते थे, न ही उन्हें जर्मनी से बाहर निकलने के लिए वीजा मिल सकता था। जर्मन खून और सम्मान की सुरक्षा के लिए बने कानून में ये बातें लिखी गई थी। जर्मन नागरिकों और यहूदियों के बीच शादियां नहीं होंगी। यदि विदेश में ऐसी कोई शादी की जाए तो उसे भी अवैध करार दिया जाएगा। जर्मन नागरिकों और यहूदियों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते भी नहीं रखे जाएंगे, यानी शारीरिक संबंध भी पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। यहूदी अपने घरों में 45 साल से कम उम्र की जर्मन महिलाओं को काम करने के लिए नहीं रख सकेंगे। राइक का झंडा या उसके रंगों को यहूदी प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे। इस कानून को तोड़ने वालों को जुर्माना और सश्रम कारावास देने की घोषणा की गई थी। जर्मनी के नाज़ी यही नहीं रुके, इसके बाद कानून में कई दूसरे नियम भी जोड़े गए। यहूदियों के अलावा इसमें रोमानिया और अश्वेत लोग भी जोड़ दिए गए। आने वाले सालों में यहूदियों को पार्क, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल इत्यादि से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्हें इलेक्ट्रिकल उपकरण इस्तेमाल करने तक से रोक दिया गया। 1938 में यहूदियों के लिए खास तौर पर आइडेंटिटी कार्ड बनवाए गए। उनके पासपोर्ट पर लाल रंग से जे लिखा गया। उन्हें सिनेमा, थिएटर, एग्जीबिशन इत्यादि में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। उसी साल 9-10 नवंबर की रात को यहूदियों के पूजा स्थलों में तोड़फोड़ की गई पूरे देश में। उनकी दुकानें भी बर्बाद कर दी गई। इसके अगले साल यहूदियों को उनके घरों से निकाल दिया गया। उनकी कीमती चीजें जब्त कर ली गई। कर्फ्यू लगा दिया गया। उनके टेलीफोन भी छीन लिए गए। पब्लिक टेलीफोन्स को भी इस्तेमाल करने का हक उनसे छीन लिया गया। पालतू जानवर रखने पर पाबंदी लगा दी गई। उनके कोट और गर्म कपड़े जब्त कर लिए गए। अंडे और दूध उन्हें बाजार में मिलने बंद हो गए। ये सिर्फ कानूनी बदलाव थे। हिटलर ने जर्मनी के लोगों के भीतर यहूदियों के लिए भरी नफरत को इस कदर बढ़ाया कि 60 लाख लोग मौत की भट्टी में झोंक दिए गए और किसी ने एक सवाल तक नहीं उठाया। इंटरनेट पर जहां CAA से इसकी तुलना की तस्वीरें चल रही हैं, वहीं एक और तस्वीर है जो कहती है, शिक्षा का मतलब ये याद करना नहीं होता कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा। शिक्षा का मतलब ये समझना है कि हिटलर ने कैसे करोड़ों जर्मनों को ये विश्वास दिलाया कि यहूदियों को मारना जरूरी है। नागरिकता संशोधन एक्ट क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये बात का मसला है। पहला मसला अविश्वास और डर है जो फिलहाल लोगों के मन में बैठे हुए हैं और उन्हें क्रोध में तब्दील कर हिंसा में बदलवा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी प्रेरणा ने। मेरा नाम प्रतीक्षा है।